सारे दिरहमों दीनार भी कुंस के तौर पर उन्होंने पेश किए। ये जब सबसे वसूल करके आ रहा था तो आखिर में एक खातून जिसे शतीता खातून के नाम से याद किया जाता है, जनाबे बीबी शतीता, ये मुलाकात करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तू नुमाइंदा है और यहां से ये कुंस का पैसा लेकर जा रहा है। कहा हाँ, मैं नैशापुर और अहवाज और राय ईरान के मुख्तलिफ शहरों के लिए मैं नुमाइंदा हूँ, बहुत माल आपकी बार जमा हुआ है, मैं लेकर जा रहा हूँ इमाम की खिदमत में। तो कहा कि मेरे पास भी इमाम का हक, तवज्जो करना, हक इमाम मेरे पास भी एक दिरहम है, उसे भी मेरी तरफ से रख लो और जो मेरी दरामद में से बचा हुआ है एक सफेद कपड़ा है, एक छोटा सा सफेद कपड़ा है, इसे तोहफे के हिसाब से दे देना और ये हक ईमान के हिसाब से दे देना। तो उसकी झुरियां पड़ गई पेशानी में, अरे इतने लोग जो है इतना बड़ा बड़ा माल दे रहे हैं और ऐसे ऐसे तोहफे दे रहे हैं और एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया, ये एक दिरहम दे रही है, इसकी औकात ही क्या है। तो